तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों 6:09 हुए हैं, आज सैटरडे है और मुझे कुछ सामान चाहिए था। मैं सोच रहा था सुपरमार्केट चला जाऊंगा, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार जाने दो। प्रॉब्लम ये है ना कि वो शायद वो जो बड़ा सुपरमार्केट है यहाँ पास में इस साइड है, तो वो बंद होगा शायद कल, मैंने गूगल पे देखा था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो जाने दो, क्या इतना हरी नहीं है, सामान है कुछ चीज़ है एक दो चीज़ वो यहाँ पास से ख़रीद लेते हैं। तो अभी हम एक छोटे से सुपरमार्केट का आपको टूर कराएंगे, ये पास में ही है, बहुत अच्छा लगा पास में, नहीं तो भाई है ना दूर जाना पड़ता, लफड़ा होता। तो एक पास में मुझे मिल गया यहाँ पे। तो जैसे मुझे दूध लेना है, कल के लिए दूध है, मंडे के लिए नहीं होगा, फिर कल मैं कहाँ जाऊँगा, ये होता है। तो मैं सब कुछ प्लानिंग करके चलता हूँ, जैसे वो होता है ना, मैं थोड़ा ऐसी प्लानिंग करके ही चलता हूँ भाई, बूढ़े लोग होते हैं ना कि भाई पूरा देख लो है कि नहीं है सब। तो ऐसा रहता है मेरा लाइफ में, हरकतों भी मेरी हरकतें जो हैं ना वो भी मेरी बूढ़े वाली हैं, जो जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, वॉक करो, रनिंग करो, ये करो, ठीक है। तो दोस्तों हम अभी सामने जा रहे हैं, सुपरमार्केट है वो, थोड़ा आपको दिखाएंगे। कल हो सकता है बंद हो, तो अभी ये देख सकते हो आप, मैं मास्क ऊपर कर लेता हूँ। उन्होंने मेरे लिए ट्रक रोक दिया, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है ट्रक भी रोक देते हैं। ये छोटा सा यहाँ पे है, आप लोग कहते थे ना ये फलों की, बताओ ये जो है ना पाइनएप्पल, ये कितने का है? 6.5 रियाल का एक है, मतलब किलो में नहीं है, एक पीस है वो, मतलब एक पूरा। ये कौन सा है ये तो मुझे नाम से समझ नहीं आया। जो मैंगो है वो 590 का है किलो में, और ये है अपना ठीक है 9.50 रियाल का है। तो ऐसा है यार, ये देखो जो अपना ये होता है मेलन, ये 5.50 का है पर किलो। और कौन सा है ये देखो, अब ये मासा गाला लिखा है, पता नहीं कौन सा है, 8.50 का किलो है। मासा फूजी कुछ तो है ये एप्पल, 12.50 का पर किलो है। तो ऐसा है, ये शायद इम्पोर्टेड होंगे, ये जो है ये इम्पोर्टेड लग रहा है और ये भी इम्पोर्टेड लग रहा है। ये है जो भिंडी है 3 रियाल का पैकेट, फिर ऐसे इंडिया में अपने को जैसे मिलता है ना, ये भी है यहाँ पे 3 रियाल का है। ओके, ये 5 का है। तो बस यार ऐसे ही है यार, मैंने यार पहले आप लोगों को दिखाऊं फिर मैं अपना लूंगा। ये देख सकते हो आप, ये अपनी ककड़ी है 5.50 रियाल प्रति किलो है ना। टमाटो जो है वो अपना टमाटर 7 रुपये का है, और ये छोटी है ककड़ी 3.99 किलो की है। ओके, जिंजर है 18 रुपये किलो है, महंगी है जिंजर। मारा पूजा ये ब्राज़ीलियन फ्रूट है, ये 12 का है प्रति किलो। बनाना जो है वो 4.99 का है किलो, ठीक है। ओके, ये छोटे छोटे जो एप्पल हैं 7.5 रियाल किलो का। ये आप देख रहे हो लिमाओ जो लिखा है, मतलब ये लेमन, ये 5.99 का किलो है। फिर ये अपना ऑरेंज है 2.99 का किलो, ये पता नहीं कौन सा किलो है। ये है 5.50 का है एक किलो। शिमला मिर्च ये सब किलो है ना।
गोभी जो है वो एक जो है पत्ता गोभी वो 3 रियाल की है। सब्जियाँ ऐसी कोई बहुत महंगी नहीं है, ये सबसे महंगा है जो अपना लहसुन होता है ना, 30 रियाल का 1 किलो है, और जो ये है 4.5 रियाल की 1 किलो है प्याज। चलिए 4.5 का ले लिया आलू, ठीक है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और अपना और सामान लेंगे। एक आपको छोटा सा मैं टूर करा देता हूँ, मुझे तो दूध चाहिए है भाई, दूध कहाँ पर रखा हुआ है। ये सब है सुपरमार्केट का, ये तो आपने देखा है। अपने को मिल्क चाहिए था भाई, कहाँ पर रखा हुआ है मिल्क? शायद मिल्क मुझे देखना पड़ेगा यार, कंफ्यूज हो गया। मैं भी आया था कल, लेकिन ओके यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं जाना। इस साइड से अपन देखते हैं, यहाँ पे क्या है ना, ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी तो नॉर्मल शायद यहाँ पर होगा, ले लेते हैं। 4.99 का महंगा है, लेकिन ठीक है ले लो। और ये वाली ब्रेड हम एक लेंगे, 5.50 रियाल की है, ये ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो ये बहुत सारी आपको यहाँ पर ब्रेड दिख जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, बिलिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये दो चीज़ें हमें लेनी हैं और फिर हम घर चले जाएंगे। अभी 6:30 करीब हुआ है, थोड़ी देर में मैं फिर डिनर भी करूँगा। ऐसा था आज का सैटरडे, थोड़ा ऐसे ही निकला है, कोई ख़ास काम नहीं किया, लाइव भी नहीं आया मैं। कल संडे है, कल आऊँगा लाइव में, है ना, ताकि अपन लोग बातें करें। और तो यार कुछ नहीं है, सुपर मार्केट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक और व्यू है आप लोगों के लिए। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी अच्छी है, लाइटिंग अच्छी होने की वजह से ना ये क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम बिलिंग करेंगे फटाफट, जैसे ही मेरे नंबर आता है फिर हम यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों हमारी बिलिंग हो गई थी और हम निकल गए थे, और ये देख सकते हो आप, अंधेरा और हो गया था। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, वीडियो हैंग हो गया था और बंद हो गया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।